हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया जा चुका है। अप्रैल 2020 से क्या इंटरेस्ट रेट होगा सेविंग स्कीम पर, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ साथ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे और हमें ताकि पता चलते जाए कि कितना नुकसान हमें एक्चुअल में हो रहा है, तो उसका एक डेमो भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में दोनों जगह पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सेविंग स्कीम के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का क्या इंटरेस्ट रेट है। पहले 4% था और अब भी 4% है। जब मैं कहता हूं कि पहले, इसका मतलब होगा मार्च 2020 के पहले, और जब मैं कहूंगा कि अब, इसका मतलब होगा अप्रैल 2020 के बाद। उसके बाद बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग स्कीम है। तो एक साल से लेकर 3 साल तक का एफडी अगर हम लेते थे पिछले तिमाही में, तो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता था 6.90, लेकिन अप्रैल 2020 के बाद अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा 5.50। तो काफ़ी भारी गिरावट हुआ है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में। 5 साल का एफडी लेते हैं तो पहले हमें मिलता था 7.70 और अब मिलेगा 6.70, मतलब अप्रैल 2020 के बाद से ब्याज दर में 1% का गिरावट हुआ है पोस्ट ऑफिस 5 ईयर एफडी में अप्रैल 2020 के बाद। उसके बाद दोस्तों, 5 साल का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और इसमें भी देख सकते हैं भारी गिरावट है। पहले 8.60 मिलता था मार्च 2020 तक और अब हमें मिलेगा अप्रैल 2020 के बाद 7.40, तो 1.20% का यहाँ पर हमें रिडक्शन दिखाई दे रहा है ब्याज दर में। उसके बाद 5 साल का एनएससी है, यहाँ पर भी देखिए पहले 7.90 था, अब 6.80। 5 साल का एमआईएस है, पहले 7.60 था और अब 6.60, बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। उसके बाद देखेंगे 5 साल का आरडी अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। अगर हमारे पास लमसम अमाउंट नहीं है और हम छोटा छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने, तो हमें आरडी अकाउंट लेना पड़ता था और आरडी अकाउंट के लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट हमें पहले मिलता था, और अब ये घटकर हो गया है 5.80, जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पर भी गिरावट है, लेकिन अगर ऊपर वालों से कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़ा कम गिरावट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है तो गवर्नमेंट भी चाहता है कि लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी अगर पिछले सालों से कंपेयर करें तो गिरावट भारी है। उसके बाद किसान विकास पत्र, यहाँ पर भी भारी गिरावट है, 6.90 आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट रह गया, मतलब हमारा पैसा डबल होने में अब और ज़्यादा समय लगेगा, जो कि किसान विकास पत्र का मेन उद्देश्य है। सुकन्या समृद्धि योजना है, पहले 8.40 था, अब ये घटकर 7.6% रह गया है, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर देखा जाए इंटरेस्ट रेट का, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट रेट में गिरावट हुआ है। हर सेविंग स्कीम में अगर देखा जाए तो हर सेविंग स्कीम में गिरावट हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लिया हुआ है, प्रीवियस इंटरेस्ट रेट क्या था और करंट इंटरेस्ट रेट क्या है वो हमने देख लिया हुआ है। अब हम छोटा छोटा एक डेमो देख लेते हैं कि अलग अलग सेविंग स्कीम में अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अगेंस्ट, तो क्या हमें कितना लॉस हो रहा है उसका भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने सेविंग स्कीम एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ। अगर मान लीजिए जैसे 1 लाख का एफडी हम पहले करते थे 7.70 की रेट से, तो हमें कितना मिल रहा है, 7925 हर साल मिलता था, 7925 रुपया, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलता था वो मिलता था 39626। अगर अब इंटरेस्ट रेट हम घटा देते हैं, क्योंकि 6.70 रह गया है 5 साल का एफडी का, तो आप देखते हैं हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है हर साल। देखिए 6870, मतलब 1000 रुपये का नुकसान हमें हर साल होगा अगर 1 लाख रुपया हम डिपॉजिट करते हैं एफडी में, और ओवरऑल लगभग 5000 से ज़्यादा का नुकसान हमें होगा। पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जब हम निकालेंगे तो 5000 से ज़्यादा का नुकसान होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है अगर आप सेविंग कर रहे हैं किसी सिक्योर सेविंग स्कीम में, तो ये डिसअपॉइंटिंग है। उसके अलावा दोस्तों, और एक फेमस है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आरडी स्कीम की। आरडी स्कीम में देखिए, पहले हम अगर 1000 रुपया डिपॉजिट करते थे तो हमें
मेच्योरिटी मिलता था 72,324 रुपया, मतलब इंटरेस्ट 12,000 और हमारा प्रिंसिपल ही 60,000। लेकिन आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट घट गया है। आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट कितना है देखिए, आईडी का 5.80 हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं, 5.80 से पहले हमें 12,000 के आसपास मिलता था और अब हमें मिलेगा देखिए सिर्फ 9,000 के आसपास हमें ब्याज मिलेगा अगर हम 1,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते हैं आरडी अकाउंट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब आरडी अकाउंट में भी 3,000 से भी ज़्यादा का हमें लॉस हो रहा है 5 साल की पीरियड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसके बाद हम देख सकते हैं एनएससी में पहले 7.90 था और आज की तारीख में हम देखते हैं एनएससी में तो ये 6.80 हो गया है। तो 7.90 जब था तो हमें इंटरेस्ट मिलता था 46,254 ओवरऑल और जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलता था 146,254। अब इंटरेस्ट रेट अगर हम कम कर दे 6.80 तो देखिए अब ओवरऑल जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा 138,949 और इंटरेस्ट हो जा रहा है 38,949। तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,000 तक के आसपास का हमें नुकसान हो रहा है। अब उसके बाद हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी देख लेते हैं। 1,00,000 रुपया अगर हम इन्वेस्ट कर दें और इंटरेस्ट रेट पहले 8.6 था तब उस हिसाब से हमें 2,150 रुपया हर 3 महीने में मिलता था। तो मेच्योरिटी टोटल हो जाता था 143,000। अगर अब इसको हम घटा देते हैं, आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट है 7.4%, तो 7.4 हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये सिर्फ हमें 1,850 रुपया ही मिलेगा। लगभग 300 रुपये का हर 3 महीने में नुकसान है अगर 1,00,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो गया है इंटरेस्ट रेट में और भारी नुकसान हमें होगा। इसके बाद अब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसमें कितना नुकसान हुआ है, जैसे PPF और सुकन्या समृद्धि योजना। तो सबसे पहले PPF के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए 1,50,000 रुपये हम हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं PPF में, तो पुराने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें 43,60,517 का मैच्योरिटी मिल सकता था। अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो अब क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए PPF का इंटरेस्ट रेट है 7.10, तो पहले 43,60 मिलता था, अब कितना हो जाता है, अब 40,68,209। मतलब अगर 15 साल अगर यही रेट रहता है तो यहाँ पर लगभग 3,00,000 तक का नुकसान हो सकता है। 3,00,000 तक का नुकसान मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। सुकन्या समृद्धि योजना है, पहले 8.40 था, आज की तारीख में देखिए कितना है, ये है 7.6%। तो पहले देखिए 15 साल तक का पीरियड होता था, 21 साल में पैसा मिलता था तो 71,00,000 के आसपास मिल जाता था। तो अब कितना होगा, अब अगर इसको हम कर दे 7.60 तो आज की तारीख के इंटरेस्ट रेट से देखिए तो ये लगभग 63,00,000 हो जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा यहां पर कम से कम 8-9,00,000 रुपए का यहां पर नुकसान देखा जा सकता है आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। हो सकता है फ्यूचर में ये इंटरेस्ट रेट बढ़े, लेकिन जो आज का इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से देखा जाए तो हर सेविंग स्कीम में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें। उसके अलावा मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम MIS स्कीम भी कहते हैं, वहाँ पर भी अगर एक लमसम अमाउंट हम डालते हैं 1,00,000 रुपए का, तो पहले जो इंटरेस्ट रेट था उस हिसाब से हमें हर महीने 633 रुपए मिलते हैं, इनकम मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट हो गया है कम, तो अब MIS स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 6.60, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 6.60, मतलब 1% का यहाँ पर हम देख सकते हैं रिडक्शन हुआ है इंटरेस्ट रेट में। अब हमें मिलेगा 550 रुपये हर महीने, मतलब लगभग 88-90 रुपये का हर महीने का नुकसान। तो एक महीने में लगभग 88 रुपये का नुकसान होता है, मतलब साल में लगभग आपको 1,000 रुपये का नुकसान यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है अगर 1,00,000 रुपये आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो 1,00,000 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर 10,00,000 हो तो नुकसान जो है वो भी साल का 10,000 के आसपास हो जाएगा, जो कि बहुत ही भारी नुकसान है। जो सिक्योर सेविंग स्कीम होते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने पे अब हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, ये तो हमें पता चल गया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।